This conference will now be recorded. चले जनाब शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोगों ने क्लास वर्क नंबर 22 कल हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 22 के अंदर पार्ट ए तो हमने कर लिया था, और मैंने वैसे होम असाइनमेंट तो नहीं दिया था इस पार्ट की, लेकिन मैंने आपको कहा था आप ट्राई कर लें, तो अगर किसी ने ट्राई कर लिया और हो गया तो गुड, हो गया नहीं हुआ तो अभी हम वैसे भी इसको देखते हैं। आपसे मैंने अभी कराना है, याद है क्लास वर्क 22 जरा देखते थे दोबारा। Stemba makes two components, A and B, for which cost the next year are expected to be as follows. इसमें इन्होंने A और B की annual demand भी दे दी अगले साल की, ठीक है, next year की production इतनी होनी है। फिर variable cost per unit उसने बता दिया कि ये cost of production है 10 rupees per unit और 17 rupees per unit. Direct labor is paid at rupees 12 per hour. इसको use करके आपने number of direct labor hours निकाल लिए थे। There will be only 19,500 hours of direct labor time available next year, and any additional components must be purchased from an external supplier. तो part A में तो हमने ये देख लिया कि दोनों के केस में buy करना हमारे लिए feasible नहीं है, ठीक है, यानी कि हमने हम दोनों को produce ही कर रहा है, in-house manufacturing ही इसमें beneficial, ठीक है, क्योंकि buying में extra cost आपकी पड़ रही है, ठीक है। ये decide करने के बाद अब जब हम इन दोनों को produce करना शुरू करेंगे अगले साल, तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि वो limiting factor है, 19,500 hours of direct labor time ही available है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, prioritize करना पड़ेगा ना, जिसकी production हमें जिसकी हमें buying ज्यादा महंगी पड़ रही है तो उसको हम प्रोड्यूस करना प्रेफर करेंगे ना, जिसकी बाइंग थोड़ी कम महंगी पड़ रही है, महंगी दोनों में याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट दोनों में, ठीक है, महंगे दोनों हैं टू बाय द कंपोनेंट, दोनों में हम कहेंगे कि बाय करना ज्यादा महंगा, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली जिसमें बाय करना थोड़ा कम महंगा होगा, थोड़ा चीप होगा, वो हम कहेंगे कि अच्छा जी जब हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स हमारे पास शॉर्टेज है किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो फिर हम प्रेफर ये करेंगे कि फिर हम बाय उस दूसरे कंपोनेंट को करें जिसका एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमें बाय का थोड़ा कम चीप पड़ता है, कम मतलब एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब आपने क्या करना है, आपने अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है, ठीक है, आपने अब क्या करना है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है। रिकमेंड द क्वांटिटीज दैट Stemba शुड मेक ऑफ द कंपोनेंट्स एंड द क्वांटिटीज दैट इट शुड बाय एक्सटर्नली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ बोथ कंपोनेंट्स एट द मिनिमम कॉस्ट, कैलकुलेट व्हाट द टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी। ट्राई करते हैं इस पार्ट को, जरा कोशिश करें। पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि भाई शॉर्टेज है भी या नहीं, 19,500 आवर्स क्या पता मोर देन इनफ हो टू कवर आवर डिमांड फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर तो ये मोर देन इनफ है तो फिर तो हमें हम दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे इन हाउस, है ना, लेकिन अगर ये नहीं है इनफ तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग, बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से जैसे हमने मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग ओवर लिमिटिंग फैक्टर, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे डायरेक्टली बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग आपने बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट भी कंसिडर करना है, ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, आपने नेट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग नहीं लेनी, आपने सिंपली जो पर यूनिट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग आपके पास आ रही थी 10 और 12.5 उसके दरमियान आपने डिफरेंस लेना है, क्लियर होती बात। रैंकिंग करेंगे और ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाने के बाद फिर हम देख लेंगे कि हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी है। मैं इस पूरे पार्ट के लिए आपको 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करें। पार्ट बी क्लास वर्क 22 का शुरू हो जाए।
ना सॉल्व हो रहा है। इसमें अब आपने रैंकिंग करनी है। आप अब यहाँ पे मेक और बाय वाला सिचुएशन आ गया। यहाँ पे रैंकिंग करनी है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग या एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ मेक के हिसाब से। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग ही होगा यहाँ पे, क्योंकि कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी में एक्स्ट्रा कॉस्ट बाइंग ही आ रही है। चले जी, कितना हो गया? हसनैन, अब्दुल्ला, एमन, अनस, हसन, जावेद, हसन महमूद, मिनाहिल, शाहरुख, उस्मान, मुनीबा, समरा, सना, उजैर, जेबा, इसकी समझ नहीं आ रही। चले अब मैं सॉल्व करती हूँ आपके साथ, ठीक है? कल वाले पार्ट की तो समझ में आ गई थी ना। कल वाले पार्ट में तो आपसे पूछ रहा था कि भाई मुझे बताएं कि क्या कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी में से कोई बेहतर है कि हम उसको इंटरनल इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग उसकी शटडाउन करके उसको बाइंग शुरू कर दे। तो फिर हमने बिगर पिक्चर देख रही थी, हमने कहना था कि अगर हम कंपोनेंट ए शटडाउन कर देते हैं, बाहर से खरीदते हैं, तो हमें क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी और क्या रेलिवेंट हमारी इनकम होगी, ठीक है? हमने कहा कि नहीं जी, फिर भी बाइंग ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है? इसी तरह बी, हम कहते हैं कि बी भी बाइंग ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो दोनों में पार्ट ए में तो ये डिसाइड हो गया कि दोनों में से किसी को भी शटडाउन नहीं करना, ठीक है? अब हम आते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में वो आपसे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान मांग रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो जरा हम ये वर्कआउट करें ना कि क्या 19,500 लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं, है ना? यही होता है ना, हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जितनी चीजें, जितना हमें लेबर आवर्स अवेलेबल है, पता चले वो मोर देन इनफ हो, तो फिर हमें रैंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो हम क्या करेंगे, जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है? टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? ए के आपको अगले साल कितने यूनिट्स चाहिए? 30,000 यूनिट्स। और डायरेक्ट लेबर पर आवर कितना निकाला था आप लोगों ने? 0.25। अच्छा जी। और बी के अगर आप प्रोड्यूस दोनों को कर रहे हैं ना, अब आपने डिसाइड कर लिया कि दोनों को प्रोड्यूस करना है, बी के रिक्वायर्ड है 20,000 यूनिट्स अगले साल के, और आपने 0.75 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, जरा मुझे कैलकुलेटर के बताएं कितने आवर्स रिक्वायर्ड है। तो यह आ जाएगा 30,000 इंटू 0.25 प्लस 20,000, 22,500, ठीक है? 20,000 इंटू 0.75, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमें रिक्वायर्ड इतने हैं, 19,500 आवर्स अवेलेबल है, यानी कि शॉर्टेज है ना? तो यानी कि यहाँ पे हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि देयर इज अ शॉर्टेज, ठीक है? और डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है? तो डायरेक्ट लेबर आवर्स की शॉर्टेज ये तो अब हमने डिटरमिन कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने रैंकिंग करनी है। या तो हम कोशिश करेंगे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर को यूज करके कैलकुलेट करें अपनी रैंकिंग, है ना? या फिर अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरह के सिनेरियो में, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दी हुई, तो फिर आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग को इस्तेमाल करके अब उसको थोड़ा सा, अब मैं कोशिश करती हूँ वाली बात, कल वाली बात के भी इसका मतलब क्या होता है वो जरा मैं देखती हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह से बात समझ में आती है या नहीं, ठीक है? चले जी, अब हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, ठीक है? मैं दोबारा से उसी तरह से कैलकुलेशन करी ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए, ठीक है? हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने इसको कंपेयर करना है किससे, कॉस्ट ऑफ बाइंग से, है ना? यही हमने पहले स्टेप पे किया था, हमने इसी पहले पार्ट के हिसाब से बेसिस पे हमने कहा था दोनों को मैन्युफैक्चर करना, दोनों को मैन्युफैक्चर करने आ रहे हैं तो लेबर आवर्स की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है? 10 और 17, और यहाँ पे इनके जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो कितनी पड़ी है, 12.5 और 23, ठीक है? 12.5 और 23, यहाँ तक बात क्लियर है? हमने इनके बेसिस पे ये तो जज कर लिया कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है बाइंग, ठीक है? अगर आपको याद हो मैंने कल एक बात कही थी, और वो बात क्या थी कि मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन से भी वही डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ जो मैं वेरिएबल कॉस्ट को यूज करके कर सकती हूँ, है ना? क्या मतलब हुआ, मेरी अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम होगा, है ना? बात समझ आ रही है ना? मेरी अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम होगा। अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, हम नॉर्मली रैंकिंग किस बेसिस पे करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के केस में, कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर अगर आपका ज्यादा हो तो आप उसको पहले प्रोड्यूस करते हो ना, द हायर द कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्योंकि वो प्रॉफिटेबल आपको रिप्रेजेंट करता है। अब हम जरा इधर आ जाते हैं मेक और बाय वाले सिचुएशन में, ठीक है? अब मेरी बात वैसे सुनिएगा, यहाँ पे मैंने अब क्या ले लेना, लिमिटिंग फैक्टर मेरा क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, है ना? मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर यूनिट, मैंने उसको डिवाइड कर देना डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट से, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, इज दैट क्लियर? ये मेरा, मैंने आपको ये भी लिखवाया
क्या आपने या तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पर रैंकिंग करनी है, उसमें भी हायर वाला पहले मैन्युफैक्चर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर लिमिटिंग फैक्टर। और अब हमने इसके बेसिस पे देखना है कि हम प्रोड्यूस किसको पहले करेंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट आपने मुझे खुद कैलकुलेट करके कल बताया हुआ है, इट्स 0.25 एंड 0.75, क्लियर होगी बात। तो 2.5 रुपीस पर यूनिट की एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग हमें पड़ती है, 0.25 पर यूनिट हमारा डायरेक्ट लेबर आवर है। याद रखिएगा, आपने ये जो फैक्टर जो लेना है ना, लिमिटिंग फैक्टर, वो पर यूनिट लेना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर लिमिटिंग फैक्टर, चले आपको टू डेसिमल प्लेसेस करने हैं, वो आ जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस यानी कि 10 एंड दिस डिवाइड बाय दिस यानी कि 8, क्लियर होगी बात। अब मेरी बात वॉइस से सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको क्या कह रही हूँ, मुझे ए का ए के केस में 10 रुपए फी लेबर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा बाइंग का, ठीक है। बी के केस में मुझे 8 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा बाइंग का पर डायरेक्ट लेबर आवर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मुझे बात बताइए, दोनों महंगे हैं, दोनों बाय करना महंगा है, ठीक है, प्रोडक्शन से मतलब प्रोडक्शन से महंगा है दोनों के केस में, बाय करना उनका एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर मैं उनको आपस में आपको कहूँ कि कंपेयर करें, आपस में कंपेयर करें, तो पहले मैं क्या कहूंगी, मैं किस चीज को पहले मैन्युफैक्चर करना पसंद करूंगी, हाँ जी, मैं कहूंगी कि भाई देखिए कंपोनेंट है ज्यादा महंगा है, है ना। अगर मैं इस केस में बाइंग पे जाती हूँ तो मेरे पास मुझे ज्यादा खर्चा आएगा पर डायरेक्ट लेबर आवर ऑफ प्रोडक्शन, तो मैं पहली रैंकिंग दूंगी ए को। रूल इसमें भी सेम है जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, ठीक है, रूल इसमें भी, लेकिन आपको ये चीज जरा कंसिडर करनी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर लिमिटिंग फैक्टर है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर लिमिटिंग फैक्टर है ये। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग कितना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पड़ा है 10 रुपए, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग बन रहा पड़ा है उसके ऊपर उसके केस में 8 रुपए। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमें ज्यादा महंगा बाय करने में ज्यादा महंगा पड़ेगा ए, तो हमने प्रोडक्शन में रैंकिंग पहली किसको देनी है, ए को देनी है, कि हम उसमें बाय में जाए ना, क्लियर होगी बात। अगर मैं इसको अदर वे राउंड बोलूं तो मैं ये कहूंगी, आपको मैंने ये बता दिया ए ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा पड़ गया, तो मुझे बाय बात करें, बाय करते हुए पहले आप कौन सा बाय करेंगे, बाय करते हुए प्रेफरेंस आपकी किसकी होगी, पहले बी की, है ना, क्योंकि बी चीपर है, क्लियर होगी बात। अगर आप बाय करते हुए बी को प्रेफर करेंगे तो इसका मतलब है ए को इन हाउस मैन्युफैक्चर करना ही कोशिश करेंगे कि ए प्रोड्यूस ही हो। तो प्रोडक्शन के लिए रैंकिंग आपकी फर्स्ट किसकी हो जाएगी, ए की फर्स्ट रहेगी। तो थोड़ा ना अपनी फिगर्स को सोच समझ के रैंकिंग करें कि अगर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग है तो इसका मतलब प्रोड्यूस करते हुए पहले हम इसी को कोशिश करेंगे ताकि बाइंग का खर्चा हमारा बचा, क्लियर होगी बात। बी थोड़ा कम एक्सपेंसिव है तो चलो अगर उसमें बाइंग हो भी जाती है तो खैर है, थोड़ी प्रोडक्शन कर लेंगे थोड़ी बाइंग कर लेंगे। अब बात बताएं, समझ आ गई क्या, अब नहीं सॉल्व हो सकता ये, अब हमें क्या करना है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। इसमें क्या मसला था बच्चे, ये तो हम करते आते हैं हमेशा से, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। अब आपका, हाँ जी क्या कह रहे हैं आप शाहरुख, यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेबर आवर्स, है ना। तो लेबर आवर्स में हम आ जाएंगे रिक्वायर्ड और बैलेंस का कॉलम, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की बात तो अभी होगी नहीं ना, हमने तो वेरिएबल, मैंने तो आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग के सेंस में सारी चीजें पढ़ाई हैं और हमने उसी को यूज करके डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, रैंकिंग करनी है, हमने फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना रैंकिंग करते हुए, बस ये बात अपनी लिख लें कहीं पर, ठीक है। चलें जी, क्या कोई गारंटीड मिनिमम प्रोडक्शन है किसी कंपोनेंट की, नहीं, कोई भी नहीं, है ना। फिक्स कॉस्ट की सेविंग को बस हमने यही कंसिडर किया था तब जब वो हमसे पूछा था कि क्या हम किसी कंपोनेंट को शटडाउन करें या नहीं, तो हमने कहा था कि नहीं भाई, कंपोनेंट को शटडाउन करने की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है डेफिनेटली 75,000 की, लेकिन 40,000 की सेविंग भी हो रही है, लेकिन नेट कॉस्ट ही है बाय करने की, शटडाउन करने की, ठीक है। यहाँ पे कोई रैंकिंग करते हुए कोई फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना, रैंकिंग करते हुए फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना, और कभी हमने किया भी नहीं, है ना। इससे पहले भी हमने लिमिटिंग फैक्टर्स के क्वेश्चन देखे थे, क्या उसमें हमने फिक्स कॉस्ट को कभी कंसिडर किया था, नहीं, ठीक है। चले अब हम फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग के हिसाब से अब हम जरा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। पहले आपने प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करना है ना, एज पर रैंकिंग कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं अगले साल, वो करने हैं 30,000, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम बैलेंस को अपडेट करें, हमारे पास बैलेंस कितना है, 19,500 लेबर आवर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ए के 30,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर जब हम करेंगे, कितने घंटे लगेंगे एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में, 30,000 × 0.25, है ना, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 0.25 आवर्स लगते हैं, तो 30,000 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 7,500 आवर्स लगेंगे, यहाँ पर बात क्लियर हो गई। तो जब 19,500 आवर्स में से आपने फोकियत दे दी, किसको दे दी, प्रोडक्ट ए को, उसके पूरे के पूरे 30,000 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर कर लिए, पीछे बच गए 12,000 घंटे, ठीक है। अब प्रोडक्ट बी के केस में पहले जरा मुझे वर्कआउट करके बताएं, अगर हम 20,000 यूनिट्स उसमें मैन्युफैक्चर करते हैं 0.75 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से, तो 20,000 यूनिट्स पूरी डिमांड को मीट करने के लिए हमें कितने घंटे चाहिए प्रोडक्शन के, हाँ जी 20,000 आवर्स, 15,000, अच्छा प्रोडक्शन के लिए तो पूरे घंटे अवेलेबल नहीं है, क्लियर होगी बात, है ना। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ए तो पूरा 30,000 प्रोड्यूस हो जाएगा, बी जो है ना वो कितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर सकेंगे जी, 12,000 / 0.75, है ना, 12,000 / 0.75, तो आपके पास आ जाएगा कि आप कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, 12,000 / 0.75 यानी कि 16,000 घंटे, ठीक है, और बस खत्म, है ना, 16,000 घंटे में 12,000 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे और डायरेक्ट लेबर आवर्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा जनाब, अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ कि अब हम बाउंड हो गए, अब बी के मार्केट में सिर्फ 16,000 घंटे जाएंगे,
हम रिमेनिंग जो बी है यानी कि 4,000 यूनिट बाहर से खरीद लेंगे। अब बात समझ आई, 16,000 घंटे, ये देखें द क्वांटिटीज दैट इट शुड बाय एक्सटर्नली, रिकमेंड द क्वांटिटीज दैट सिम्बा शुड मेक ऑफ द कंपोनेंट्स। तो मेक का तो हमने बता दिया, ए के पूरे सारे मेक करेंगे, बी के 16,000 मेक करेंगे और बाकी जो है यानी कि 4,000 जो है वो हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल परचेज हम कितना करेंगे, एक्सटर्नल परचेज हमने सिर्फ बी के करने हैं और कितने करने हैं, उसकी मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए 16,000 यूनिट्स तो हमने मैन्युफैक्चर कर लिए थे, बाकी 4,000 यूनिट्स हम मेक कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई पूरी प्रोडक्शन हो गई, ये आपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बता दिया। अच्छा जी, कैलकुलेट व्हाट द टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी। अब आपने ये बताना है कि टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होगी, आप टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, पहली बात तो ये पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, है ना। याद रखिएगा हमने 30,000 यूनिट ए के मैन्युफैक्चर करने और 16,000 बी के मैन्युफैक्चर करने, तो मैं क्या ए और बी की टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कैलकुलेट कर सकती। क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के ए के आएगा 10 रुपए फी यूनिट, है ना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी के केस में क्या होगा, 16,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने और उसके केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है 17 गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इधर आगे हमने कहा कि ठीक है जनाब, ये आपका हो गया 30,000 × 10, ये आपका हो गया 16,000 × 17, क्लियर होगी बात। 272,000 और 30,000 ये तो आपकी पहले आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जाएगी, कॉस्ट ऑफ बाइंग भी तो होगी, है ना। कितने यूनिट्स हम बाय करेंगे, 4,000 यूनिट्स हमने बी के बाय करने, ठीक है, 4,000 यूनिट्स हमने बी के बाय करने और हर यूनिट की परचेज कॉस्ट क्या थी, 23, क्लियर होगी बात। तो एक और हमारे पास कॉस्ट आ गई अगले साल की 92,000 जो क्या है कॉस्ट ऑफ बाइंग। ठीक है, ये तो सारी होगी ना वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अगले साल होगा क्या, सारी कॉस्ट आपने कंसिडर कर ली, नहीं अभी तक तो नहीं। अगले साल मुझे बताएं क्या ये 40,000 का खर्चा इनकर होगा। बिल्कुल होगा, है ना, 40,000 का खर्चा होगा क्योंकि हम क्या, हम ए को मेक कर रहे हैं, है ना, हम अगले साल ए को क्या कह रहे हैं जी, हमने अगले साल ए को मेक करना है। चलें जी, फोर्टी थाउजेंड, ठीक है, अच्छा अच्छा जी, फिर हम आते हैं इसके ऊपर, इनकर्ड एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग बी जी, 50,000 रुपीज, ये भी इनकर होगा, होगा ना, ये भी इनकर क्योंकि हम बी को मेक तो कर रहे हैं। अब आपने उस चीज में नहीं, इंक्रीमेंटल है ना बेटा, वो ये कह रहा है कि बी को अगर मेक करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो इंक्रीमेंटल तो हुआ ना। हम तो ये कह रहे हैं ना कि बी को भी अब हम मेक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब देखो शाहरुख, उस कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे, हम उस कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे कि बी के 20, बेटा 20,000 तो डिमांड थी ना उसकी, है ना, आप इसको बाइफोकेट कर सकते थे लेकिन आपने करना नहीं है, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ द एक्टिविटी लेवल, क्यों, बल्कि नहीं करना, ये तो हो ही नहीं सकता, उस कैलकुलेशन में तो जाना ही नहीं है। मैं भले एक यूनिट भी बनाऊं बी का, मुझे फिक्स कॉस्ट इनकर होगी 50,000, बिकॉज दिस इज फिक्स कॉस्ट, ये तो मेरी फिक्स कॉस्ट है, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी है कि जो मेरे एक्टिविटी लेवल के हिसाब से वेरी करेगी। तो मुझे बात बताइए, मेरी फिक्स कॉस्ट है ना ये, तो मैं बस एक यूनिट भी बनाऊं अगर बी का, तो इनकर्ड एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग बी, मैं फॉरन से 50,000 यूनिट इनकर हो जाएंगे मेरे। मैं भले 10,000 यूनिट मैनुफैक्चर करूं बी के, मेरे बी के की वजह से 50,000 रुपीज का डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हो जाएगा। बस ये है कि अगर मैं नहीं मेक करती बी, तो फिर उसमें लिखा हुआ कि भी वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा वेरिएबल नेचर आ रहा है इसका, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कितने मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ बी के, उससे वो रिलेट नहीं करता। तो 50,000 पूरे के पूरे, है ना, 50,000 पूरा का पूरा ही मेरा इनकर होगा और अदर फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही होगा, है ना, अदर फिक्स कॉस्ट के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है। अदर फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000। तो आपके पास टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी बनती है, 7,84,000। दैट्स इट, हो गया सवाल, जल्दी से कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। हमें उसने टोटल कॉस्ट मांगी है बेटा, टोटल एनुअल कॉस्ट मांगी बस, तो टोटल एनुअल कॉस्ट में कॉस्ट प्रोडक्शन भी आ जाएगा, बाकी भी आ जाएंगे। 12,000 कहाँ से आ गया, हमने 12,000 कहाँ यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, हमने तो 30,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं और 16,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं। 12,000 तो आवर्स है बेटा, 12,000 तो लेबर आवर्स है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो लेबर कॉस्ट के अलावा भी कॉस्ट आती है ना, तो डायरेक्ट मटेरियल बाकी सब कहाँ गया, जल्दी से कॉपी करें प्लीज, हाथ चलाएं जरा तेजी। चलें जनाब आगे चलते हैं,
नोट कर लीजिए, क्लास वर्क 23 आपका होम असाइनमेंट है, कल भी मैंने आपको दिया था, लेट्स सी उसमें डिस्कस करती हूँ मैं अभी। ठीक है बेटा, वो टोटल एनुअल कॉस्ट मांग रहा है, बस अगले साल इनकम तो होगी ना, डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलेवेंट है वो, एक अलग बात है। आप ये डिसाइड करना है कि करते हो कि भाई ऑप्शन वन की तरफ जाए ऑप्शन टू की तरफ जाए, तो अगर वो फिक्स कॉस्ट है तो वो तो इरेलेवेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं ऑप्शन वन की तरफ जा रहा हूँ, फिर वो पूछ रहे कि टोटल एनुअल कॉस्ट बताएं क्या आएगी टोटल कॉस्ट, फिर तो उसमें शामिल होगी ना, वो इनकम तो होनी है ना। हम तो डिसीजन मेकिंग के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई वो तो हर हाल में इनकर होनी है, भले हम ऑप्शन वन देखें ऑप्शन टू देखें। अब तो आपसे टोटल एनुअल कॉस्ट मांग रहा है, सिंपल बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, क्लियर होगी बात। वो तो सिंपल आपसे ये मांग रहे हैं भाई अगले साल की, बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन प्लान दैट यू मेड। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कितने यूनिट्स ए के मैनुफैक्चर करने, कितने बी के मैनुफैक्चर करने, कितनी बाय करने। जब आपने डिसाइड कर लिया यानी कि डिसीजन मेकिंग होगी, अब डिसीजन मेकिंग के बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट बता टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी, सिंपल एज दैट। ठीक है चले, क्लास वर्क 23 जो होम असाइनमेंट, हम आ रहे हैं जल्दी से क्लास वर्क नंबर 24 के ऊपर। क्लास वर्क 24 क्या कह रहा है, अरीश लिमिटेड डील्स इन वेरियस प्रोडक्ट्स, रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एज अंडर। ठीक है, एडब्ल्यू एक्स ए वाई ए जी, एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड इन यूनिट्स उसने आपको बता दिया है, एनुअल डिमांड शुड बी इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल प्राइस पर यूनिट इन रुपीज 150, 180, 140, 175, मटेरियल कंजम्पशन उसने बता दिया किलोग्राम्स का एक यूनिट में। ठीक है, एक यूनिट में 2 किलोग्राम क्यू के एडब्ल्यू के, एएक्स के अंदर 1 किलोग्राम एक यूनिट में 2.5 केजी क्यू के और 1.5 और 1.75 किलोग्राम क्यू के उसने बता दिया एक यूनिट में लगने। फिर इसी तरह मटेरियल कंजम्पशन एस की भी बता दी है, 0.5 किलोग्राम्स इन वन यूनिट, 0.6 किलोग्राम्स इन वन यूनिट, 0.4 किलोग्राम्स इन वन यूनिट एंड 0.65 किलोग्राम्स इन वन यूनिट। लेबर आवर्स बता दिए 2 आवर्स, 2.25, 1.75 एंड 2.5 आवर्स पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट, 75% ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स है, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, 100% ऑफ लेबर कॉस्ट एंड 90%। फिर वो कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट बेस्ड ऑन 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट उसने बता दिया 10, 20, 14 और 16 रुपीज पर यूनिट, ये रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड उसने बता दिए हैं, प्रोसेसिंग मशीन के आवर्स इतने 5, 6, 8, 10 और पैकिंग मशीन के आवर्स कितने 2, 3, 2, 4। ठीक है पर यूनिट, ठीक है आगे चलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर यूनिट ही बताई हुई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, कंपनी हैज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल क्यू एंड एस एट अ प्राइस ऑफ 15 एंड 20 केजी पर केजी रिस्पेक्टिवली, राइट। यानी कि जो आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो वहां से परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब जरा पहले हमें ये भी डिटरमिन करना है कि क्या इसमें मेक और बाय का डिसीजन लेना है नहीं लेना है ना, क्योंकि मेक और बाय के केस में आपने डिसीजन मेकिंग करनी है एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे। और अगर सिंपल सवाल होगा तो आपने डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे करनी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर। बात समझ आ रही है, सिर्फ वहां पे जहां पे मेक और बाय के दरमियान होगा उसमें हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन को देखना है, ठीक है। और नॉर्मल सिनेरियो में हमने नॉर्मल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि मटेरियल क्यों और ऐसा तो हम इंटरनली एक्सटर्नली परचेज करते हैं, ठीक है ना। वेज रेट फॉर 8 आवर शिफ्ट इज रुपीज 200, द एस्टिमेटेड ओवरहेड्स गिवन इन द अबव टेबल आर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड बेसिस, ठीक है। यानी कि अब ये क्या फिक्स कॉस्ट में आएगा, किसमें आएगा, वेरिएबल में आना चाहिए ना। चलिए देख लेते हैं, द डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन बेस्ड ऑन फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एज फॉलोस, तो 1,50,000। अब देखें यहाँ पे इसने बेसिकली हमें लिमिटिंग फैक्टर्स बता दिए, ये क्या कह रहे हैं, द डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन बेस्ड ऑन फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एज फॉलोस, तो अगर हम अपनी प्रोसेसिंग मशीन को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं तो मैक्सिमम कितने आवर्स वो चल सकता है, 1,50,000 आवर्स। बात समझ आ रही है ना, बड़े तेज है ये लोग, ठीक है। इन्होंने क्लियर कट नहीं बताया कि ये लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन यही तो होता है ना, कि मैक्सिमम 1,50,000 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग मशीन आर अवेलेबल एंड मैक्सिमम 1,00,000 आवर्स ऑफ पैकिंग मशीन आर अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो लिमिटिंग फैक्टर्स आ गए है ना, तो हमने क्या करना है, दोनों लिमिटिंग फैक्टर्स से ये देखना है कि क्या ये सफिशिएंट है या नहीं, मतलब हम वर्कआउट करेंगे है ना, और हम देखेंगे कि भाई कौन सा हमारा रीड फैक्टर होता है, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, The company has launched an advertising campaign to promote the sale of its products. Rupees 2 million have been spent on such campaign. This cost is allocated to the products on the basis of sale. ठीक है, आगे चलते हैं, compute the number of units of each product that the company should produce in order to maximize the profit and also compute the product price and total contribution at optimal product mix. हाँ जी, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारा major objective ये है कि भाई हम क्या calculate करें, अपना contribution margin per unit है ना, क्या calculate करें अपना contribution margin per unit, तो calculate करते हैं जरा। यहाँ बल्कि पहले मुझे ये जरा मेरे इस सवाल का जवाब दें, पहले मुझे ये बता दें कि हमारा रियल लिमिटिंग फैक्टर क्या है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, पहली बात तो ये इधर ये मेक और बाय डिसीजन है ही नहीं है ना, यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये मेक और बाय डिसीजन वाला सवाल है ही नहीं, फिर होगी ना बात। इधर कहीं पे भी बाइंग कॉस्ट तो दी भी नहीं है, मतलब बाइंग कॉस्ट हम बाहर से मैनुफैक्चर कर ही रहे हैं, रॉ मटेरियल क्यों और इसको तो हम बाहर से मैनुफैक्चर करें, ये बात हो ही नहीं रही कि भाई हम उसको इंटरनली मैनुफैक्चर करें या क्या है ना, तो ये मेक और बाय का सवाल तो है होता ही नहीं है, क्लियर होती है बात। मेक और बाय का सवाल ये होता है कि जो चीज आप बाहर से खरीद रहे हो अगर वो आपको कहते हैं कि भाई इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं हम, तो जरा डिटरमिन करेंगे कितने हम बाहर से खरीदें कितने हम इंटरनल मैन्युफैक्चर करें कंपोनेंट्स को, क्लियर होगी बात। तो ये मेक और बाय वाला सवाल तो पहली बात तो ये है ही नहीं, तो जरा मुझे ये पहले कैलकुलेट करके बताते हैं कि मेरा रियल लिमिटिंग फैक्टर क्या है।
रियल लिमिटिंग फैक्टर के लिए हमने रूल ये पढ़ा था, इफ देर आर टू लिमिटिंग फैक्टर्स, ट्रीट ईच लिमिटिंग फैक्टर इंडिपेंडेंटली, एंड जनरली द फैक्टर विद लेस प्रोडक्शन इज द रियल लिमिटिंग फैक्टर. तो आप जरा मुझे ये कैलकुलेट करके बता दें कि अगर हम पैकिंग मशीन को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करते हैं ए बी सी डी के या डब्ल्यू एक्स वाई जी के, और प्रोसेसिंग मशीन के नंबर ऑफ आवर्स को यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जी के, तो हमारे लिए कौन सा रियल लिमिटिंग फैक्टर है? जी करते हैं इसको, उसके रेफरेंस के लिए देखें, ये एग्जांपल भी मैंने आपको कल करवाई थी कि सेल्स डिमांड्स है 1000 यूनिट्स है, मशीन आवर्स लेबर आवर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने मशीन आवर्स कितने लेबर आवर्स, और ये एक ही प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं. जरा पांच मिनट दे रही हूँ उसको अटेम्प्ट करके मुझे जरा कोशिश करें कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि रियल लिमिटिंग फैक्टर क्या है और आपके पास सारा डेटा क्वेश्चन में जो इस्तेमाल करना चाहिए हमें वो सामने डिस्प्ले हुआ है, तो जरा कोशिश करें कैलकुलेट करने की. मुझे फिगर्स भी पूछनी है आपसे, तो पहले प्रोसेसिंग मशीन की वर्कआउट करें फिर पैकिंग मशीन का वर्कआउट करें. सिलेबस में नहीं है, अगर दोनों लिमिटिंग फैक्टर्स निकल आते हैं रियल तो वो सिलेबस में नहीं है. वैसे लिमिटेशन दोनों पर है, लेकिन इन दोनों में से भी एक रियल लिमिटिंग फैक्टर है, दूसरे का होना हमारे लिए कोई मसले वाली बात नहीं है. प्रोसेसिंग मशीन, मिनाहिल कह रही है प्रोसेसिंग मशीन, क्यों वजह बताएं आप क्यों कह रही हैं कि प्रोसेसिंग मशीन के आवर्स जो है वो हमारे लिए लिमिटेशन है, वो हमारे लिए मसले के बायस है? उसके 221,000 आवर्स रिक्वायर्ड है. अच्छा, और पैकिंग के कितने रिक्वायर्ड है? वेरी गुड. मिनाहिल ये कह रही है, मिनाहिल ने दूसरे डिफरेंट तरीके से किया. मिनाहिल ये कह रही है कि भाई सारी सेल्स डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रोसेसिंग मशीन के आवर्स रिक्वायर्ड है 221,000. अच्छा, यही सिनेरियो पैकिंग में भी हो सकता था, है ना? अगर फॉर एग्जांपल पैकिंग मशीन के भी आवर्स रिक्वायर्ड होते 110,000, फिर हम कहते कि जी दोनों लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, और फिर हम क्या रूल अप्लाई करते, फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? हम ये कहते हैं कि अच्छा जी फिर दोनों में से प्रोडक्शन जिसमें सबसे कम हो रही है ना वो वाले आवर्स सेलेक्ट कर लेंगे. क्लियर होगी बात, है ना? पहली बात तो ये, यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर जो प्रोसेसिंग मशीन है वही हमारा मेन लिमिटिंग फैक्टर है. यहाँ पे किसम का हम कहेंगे टू लिमिटिंग फैक्टर्स है ही नहीं, क्योंकि पैकिंग मशीन में तो शॉर्टेज आई नहीं रही. क्लियर होगी बात, इन ऑर्डर टू मीट योर एनुअल डिमांड हमें पैकिंग मशीन के आवर्स शॉर्ट ही नहीं है. ठीक है, मैं ये बात कर रही हूँ ऊपर वाली एग्जांपल जो है वो तब अप्लाई होती, कब अप्लाई होती, अगर मैं आपको ये कहती कि प्रोसेसिंग मशीन के आवर्स भी शॉर्ट है पैकिंग मशीन के आवर्स भी शॉर्ट है, फिर हम क्या सिलेक्ट करते, फिर हम उन दोनों में से कौन से लिमिटिंग फैक्टर को लेकर अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते, रैंकिंग करते ऑन द बेसिस ऑफ दैट, फिर हम वो सिलेक्ट करते कि जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कम होते. ठीक है, क्लियर होगी बात. नहीं, पैकिंग में बेटा 86,000 ऐसे करके है. ठीक है, तो जरा हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास वर्क नंबर 24. दिस इज नॉट अ मेक और बाय सिचुएशन. ठीक है, दिस इज नॉट अ मेक और बाय सिचुएशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई ऐसा नहीं गिवन कि भाई आपने मेक और बाय के दरमियान डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, जरा मैं बता रही हूँ आपको. ठीक है, दिस इज नॉट अ मेक और बाय सिचुएशन. ठीक है ना, तो इसमें हमने डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. आई होप दैट्स क्लियर. अब हम वापस से बेसिक क्वेश्चन पर आ गए. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अपेरेंटली हमारे पास दो यहाँ पे चीजें हैं. ठीक है, 150,000 आवर्स और 1,00,000 आवर्स प्रोसेसिंग और पैकिंग मशीन. ठीक है, प्रोसेसिंग मशीन के मुझे बताएं जो रिक्वायर्ड आवर्स हैं टोटल वो कितने हैं? हाँ जी, टोटल रिक्वायर्ड आवर्स में मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, मैं किस तरीके से करूंगी, मैं ए और बी और सी और डी डब्ल्यू एक्स वाई जी तीनों के मैं देखूंगी कि कितने इनको पर यूनिट मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है, एनुअल डिमांड के लिए हमें कितने चाहिए. ठीक है, तो 5,000 इंटू प्रोसेसिंग मशीन के 5 आवर्स पर यूनिट, तो मैं आगे इधर मैंने कहा 5,000 इंटू 5. ठीक है, प्लस फिर वो कह रहा है जी एक्स के 10,000 यूनिट्स की डिमांड मीट करनी है 10,000 इंटू 6. ठीक है, फिर उसके बाद जनाब 7,000 इंटू 8. ठीक है, और उसके बाद आखिरी 8,000 इंटू 10. ठीक है, चले अगर मैं टोटल रिक्वायर्ड आवर्स की कैलकुलेशन इस तरह से करती हूँ तो मेरे पास ये टोटल आंसर आता है कितना, 221,000 आवर्स. ठीक है, आप मुझे बताइए अवेलेबल कितने हैं. हाँ जी, टोटल रिक्वायर्ड आवर्स आपके पास ये हो गए. ठीक है, 1,50,000. तो यहाँ पे मेरे पास होगी ना शॉर्टेज, हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स की शॉर्टेज हो गई है, मेरे पास हो गई 71,000 आवर्स की. ठीक है, अच्छा अब मैं जरा पैकिंग मशीन को देखती हूँ. पैकिंग मशीन में भी जरा इसी तरह से वर्कआउट करें, टोटल रिक्वायर्ड आवर्स आपके कितने निकलते हैं? वो निकलते हैं 86,000. अवेलेबल कितने हैं? 1,00,000. तो क्या यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है?
बताएं, ठीक है? अब हमने जो रैंकिंग वगैरह करनी है वो किसके बेसिस पे करनी है, वो करनी है प्रोसेसिंग मशीन के बेसिस पे, इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है, ये हमारा मेन लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है जनाब? तो प्रोसेसिंग मशीन, पैकिंग मशीन, अब हमें क्या करना है, चारों कंपोनेंट्स AW, AX, AY और AZ, चारों प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है? अब आपने इनके ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, अब बताएं हो जाएगा? जरा करें जल्दी से इसको सॉल्व। हाँ जी, मुझे आपने कैलकुलेट करके बताना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर। चले दो का कर ले तो बहुत है, AW और AX का सॉल्व कर ले, टेबल फॉर्म में इसको करें, करना शुरू करें और मुझे जरा बताते जाएं कि AW और AX का क्या कैलकुलेट हुआ। लेट मी सी हाउ यू पिक थिंग्स अप। करें सब, शुरू कर दिया सबने? अच्छा, पहली बात तो ये मुझे बताएं कि ये जो कंपनी हैज लॉन्च एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू प्रमोट द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, हैव बीन दिस कॉस्ट इज एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्या हमने इस 2 मिलियन रुपीज की एलोकेशन को कंसिडर करना है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये संक कॉस्ट है ना, ये तो संक कॉस्ट है। चलें जी, बाकी करें जरा, बाकी आइटम्स का इन्होंने आपको बताया हुआ, वेरिएबल ओवरहेड जितने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इतने हैं, जरा करना शुरू करें। हाँ जी, क्या हो रहा है, AW और AX का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बहुत आसान है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। करें सॉल्व सारे, मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगी, जिसे पूछूंगी उसे ना जवाब देना है। हसनैन, अब्दुल्ला, अहमन, अनस, हसन जावेद, हसन महमूद, आसिफ, मिनाहिल, अहमद, शाहरुख, मुनीबा, सबीना, समरा, सना, शाहजेब, सुंदर, सुजैर, जेबा, मैं जिसे सवाल पूछूंगी वही मुझे जवाब देंगी। 3 मिनट और दे रही हूँ, हो गया सबीना, बाकी के भी कंप्लीट कर लें, 2 कंप्लीट करते जा रहे हैं, मैं 3 मिनट और दे रही हूँ, वाई और जी के भी कर लें जरा, ताकि अच्छा है, कॉपी करने में टाइम कम लगेगा। 10:27 हो रहे हैं, 10:30 पे फिर मैं आपके हिसाब से पूछना शुरू करूंगी।
चलें जनाब डन। अब मुझे बताएंगे AW का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हसन जावेद और उजैर गजनफर, क्या आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन AW का? हसन जावेद कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 22.5। हाँ जी ठीक है, ये उजैर सही कह रहे हैं? हाँ जी उजैर सही कह रहे हैं या नहीं? अच्छा जनाब उजैर, फिर आप मुझे बताओ ए एक्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या आया? ए एक्स का ए एक्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन उजैर 29.25। चले बिल्कुल ठीक, चले जनाब वेरी गुड। डेप्रिसिएशन वेरिएबल, अच्छा कहे बिल्कुल वेरिएबल है, इन्होंने वेरिएबल में नहीं लिया हुआ ना, इन्होंने वेरिएबल में नहीं लिया हुआ, आइडियली तो वेरिएबल में होना चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन इज सुपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज़ पर, आइडियली तो होना चाहिए। Because it is on the basis of number of hours used ना, ठीक है हम इसको ले लेते हैं, ठीक है क्योंकि ideally इसको लेना चाहिए, इन्होंने क्यों नहीं लिया हुआ? Just give me a minute. हाँ इनको लेना चाहिए, जरा लेके देखते हैं, ठीक है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन नंबर ऑफ आवर्स यूज बेसिस, तो अगर वो होता है स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस तो फिर हम उसको फिक्स ओवरहेड का पार्ट बनाते हैं, अदरवाइज हम उसको किसका पार्ट बनाएंगे? जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे फिर वो पर यूनिट के हिसाब से चलेगा ना, कि एक यूनिट में अगर 5 घंटे लग रहे हैं मशीन प्रोसेसिंग मशीन के तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है फिर नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ेंगे और डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। चले हम अपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्लूडिंग वेरिएबल कॉस्ट डेप्रिसिएशन हम ले लेते हैं, ठीक है हम कैलकुलेट करते करेंगे। अच्छा जी सेल्स प्राइस पर यूनिट इन्होंने दी हुई आपको 150, 180, 140, 175, ठीक है 150, 180, 140, 175। चले जी आगे, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है लेट्स सी कि रैंकिंग में फर्क आ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो देख लेते हैं रैंकिंग में कोई फर्क आता है नहीं आता, हम नोट लिख देंगे, नोट टू द एग्जामिनर लिख देंगे कि डेप्रिसिएशन हैज बीन ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट सिंस इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेप्रिसिएशन अगर नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस करती है तो इट इज व्हाट इट इज वेरिएबल इन नेचर, ठीक है। चले जी मटीरियल कॉस्ट हमारे पास क्या 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 होगी, मटीरियल कॉस्ट हमारे पास क्यू की कितनी होगी, उसने आपको बता दिया 2 किलोग्राम क्यू के तो 2 × 15, फिर उसने कहा जी एक्स में 2.5 तो 2.5 × 15, फिर उसके बाद जी वाई में उसने कहा 1.5 × 15 और उसने कहा ए जी कितना 1.75 × 15, ठीक है ये आपके पास हो गया मटेरियल एक्स की कॉस्ट, मटेरियल क्यू की कॉस्ट, फिर उसके बाद मटेरियल कॉस्ट इसकी एस, ठीक है एस कितना पर यूनिट है 20 रुपए पर किलोग्राम है, अच्छा जी 0.5 × 20, ठीक है फिर उसके बाद आता है 0.6, 0.4, 0.65, ठीक है चल मटेरियल कॉस्ट हो गई, फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट आपके पास कितनी है, उन्होंने आपको बता दिया कि 8 आवर की शिफ्ट के 200 रुपए तो 1 घंटे के कितने हो गए 25, हाँ जी 1 घंटे के कितने बनते हैं 200/8 ये हो गए 25 पर आवर, ठीक है तो आसान हो गया 2 × 25, फिर 2.25, 1.75, 2.85 और आखिरी आपके पास है 2.5, ठीक है ये आपके पास लेबर कॉस्ट हो गया और वेरिएबल ओवरहेड्स दैट्स इट है ना। वेरिएबल ओवरहेड में अब हम ये कह रहे हैं कि हमने डेप्रिसिएशन को भी चले हम अलग से उसको कर लेते हैं, ठीक है नहीं हम ले लेंगे, हमें तो सही लॉजिकल यही लग रहा है ना, लेट्स सी कि हमारे और उसकी रैंकिंग में कोई फर्क आता भी है नहीं आता, ये तो सिर्फ रैंकिंग के लिए इस्तेमाल होना है वैसे भी है ना, और कंप्यूटर नंबर ऑफ एंड ऑल्सो कंप्यूटर प्रोडक्ट प्राइस एंड टोटल कंट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमल प्रोडक्ट, थोड़ा सा हमारे आंसर में भी वैसे डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट वाइज और टोटल कंट्रीब्यूशन में भी फर्क आएगा, ठीक है तो लेकिन हम कर लेंगे ना, वो हम कह देंगे कि भाई वी हैव ट्रीटेड वेरिएबल कॉस्ट एज सॉरी डेप्रिसिएशन एज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है वेरिएबल ओवरहेड क्या है बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट। अच्छा एक हम बात भी कर सकते हैं एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ठीक है ठीक है 75% है ना, तो हमारे में उसने रेट दिया हुआ है दिस मल्टीप्लाइड बाय 75 ये हो जाएगा 38, फिर उसके बाद वो कह रहा है 80, 100, 90, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.8 80 दिस 100 यानी कि ये हो गया और ये हो गया 90, ठीक है ये हमारे पास क्या हो गया वेरिएबल ओवरहेड हो गए और हम क्या ले रहे हैं डेप्रिसिएशन को भी अपना बना रहे हैं, तो मुझे बात बताइए द डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन बेस्ड ऑन फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एज फॉलोज, 150,000 की टोटल डेप्रिसिएशन है 150,000 आवर्स के बेसिस पे है ना, तो यानी कि अगर हम ये कहें कि पर आवर फिर कितनी डेप्रिसिएशन हो गई, पर आवर हो गई 1 रुपी है ना पर आवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 है ना 6, 8, 10 है ना प्रोसेसिंग मशीन की जो डेप्रिसिएशन है तो हम इसके बेसिस पे ले लेंगे, ठीक है तो ये वही हो जाएगा प्रोसेसिंग मशीन 5, 6, 8, 10, ठीक है ना याद बात क्लियर होगी, और हम ये कह रहे हैं कि पैकिंग मशीन का रेट पर आवर कितना निकल रहा है डेप्रिसिएशन का 50,000 / 1 लाख यानी कि 0.5 है ना 0.5 पर आवर,
जी ये बात समझ में आ रही है सबको। प्रोसेसिंग मशीन की डेप्रिसिएशन 100% यानी कि उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन है 1,50,000, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 1,50,000, तो फिर वो पर आवर पे वेरी करेगी, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो 1 रुपी पर आवर के हिसाब से, और यहाँ पे 0.5 रुपी पर आवर के हिसाब से, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई टू, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 1, और बाकी के केस में भी हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस हम ले लेंगे, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली 1.5 है, बाकी तो कोई डेसिमल नहीं है ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम अपनी कैलकुलेशन को रखते हैं ताकि एक्यूरेसी आए, ठीक है। हाँ बिल्कुल डेसिमल्स में है, लेबर कॉस्ट आपके पास डेसिमल में आ रही है, मटेरियल कॉस्ट भी आपके पास डेसिमल में आ रही है, तो बेहतर है कि आप डेसिमल में ही चीजों को लेकर चलें, ठीक है। दैट्स इट, अब आपने इंडिविजुअल वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो लेना है, ठीक है, और आपने क्या कर देना है, टोटलिंग करके उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अब हमारी कितनी हो जाएगी, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने इनको रखना है, इट विल बी समवेयर अराउंड 134.5, ठीक है। तो दिस चारों की हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, और अब हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, आज विल बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द वन एट द बैक बिकॉज हमने वेरिएबल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को भी शामिल किया है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वो भी शामिल हो गया, तो 16.5, ये तो आपके पास आ गया सीएम पर यूनिट, क्लियर होगी बात। सबने करेक्शन कर दी इसमें यहाँ पे, और हम एक नोट होती एग्जामिनर भी लिख देंगे ताकि हमारा आंसर ठीक कंसीडर हो, ठीक है। तो 16.5, 21.75, 13 और 5 रुपी पर यूनिट, लेकिन अब आपने रैंकिंग इसके बेसिस पे तो करनी नहीं है, आपने रैंकिंग किसके बेसिस पे करनी है, आपने ये डिसाइड कर दिया था कि प्रोसेसिंग आवर्स अब आपके जो है, प्रोसेसिंग मशीन के आवर्स अब आपके मेन लिमिटिंग फैक्टर है, तो अब हम वापस से प्रोसेसिंग आवर पर आ जाएंगे, 5 आवर्स, 6 आवर पर यूनिट, 8 आवर पर यूनिट एंड 10 आवर पर यूनिट, है ना, ये क्वेश्चन में तो गिवन था। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, सीएम पर प्रोसेसिंग आवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16.5 डिवाइड बाई 5 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अब हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास अब जहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा हम उसकी प्रोडक्शन, उस आइटम की प्रोडक्शन पहले करेंगे, तो अगर हमारी रैंकिंग और पैक की रैंकिंग सेम हुई तो हम दोनों का ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बिल्कुल मैच करेगा, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन वगैरह डिफरेंट होगा, याद रखिएगा टोटल प्रॉफिट भी सेम होगा, है ना, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि हमने वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन को शामिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके बेसिस पे रैंकिंग करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आता है एएक्स, रैंकिंग सेम हो गई, चले बेहतरीन हो गया, हमारे पास फर्स्ट हो गया AX, फिर सेकंड हो गया हमारे पास AW, थर्ड हमारे पास हो गया AY, और आखिरी में हमारे पास हो गया फोर्थ हो गया AZ, यही वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही उनकी पैकेज भी है, तो चलो ठीक है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना लेते हैं, ठीक है जी। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हमारा किस तरह से बनेगा, कोई गारंटीड मिनिमम तो है नहीं, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, यूनिट्स, प्रोसेसिंग आवर्स हमारे जो है वो मेन लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, प्रोसेसिंग मशीन आवर्स रिक्वायर्ड और बैलेंस, ठीक है। चलेंगे हमारे पास बैलेंस प्रोसेसिंग आवर मशीन के कितने हैं, 1,50,000, है ना, 1,50,000 को हमने यूटिलाइज करना है। सबसे पहले हम किस प्रोडक्ट को फोकियत देंगे, हमने बी प्रोडक्ट बी को फोकियत देनी है, यानी कि सॉरी प्रोडक्ट एएक्स को, ठीक है, ये एएक्स है, मैं बी कह रही हूँ, एएक्स है, एएक्स को हमने फोकियत देनी है, 10,000 यूनिट्स उसके पहले हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, हर यूनिट के प्रोसेसिंग मशीन आवर्स कितने वो यूटिलाइज करेगा, 6, तो रिक्वायर्ड इसके कितने हैं, 60,000, तो 1,50,000 में से 60,000 तो एएक्स ले जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पोजीशन किसको दी हुई है हमने, AW को, ठीक है, अब AW पर आते हैं, अब AW के लिए अवेलेबल 90 है, तो जरा चेक कर लें, AW के हमने बनाने कितने हैं, 5,000, और हर यूनिट के 5 रिक्वायर्ड है मशीन आवर्स, प्रोसेसिंग मशीन आवर्स, तो उसके आवर्स रिक्वायर्ड कितने, 25,000, सफिशिएंट है ना, यानी कि हम सारा सारा बना देंगे, तो AW के 5,000 यूनिट्स बनाने आपने, ठीक है, जिनके रिक्वायर्ड आवर्स कितने, एट द रेट ऑफ 5 मशीन आवर्स पर यूनिट, वो है 25,000, ठीक है, तो 90,000 अब भी बच जाएगा, ठीक है, 65,000 आवर्स अब भी बचे हैं। फिर उसके बाद थर्ड की बारी आती है, थर्ड हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, AY, ठीक है, अब हम AY को मैन्युफैक्चर करेंगे, AY को जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो फिर जरा ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे चेक कर लें पहले, लिखने से पहले, ठीक है, AY के कितने यूनिट मैन्युफैक्चर करने हैं, 7,000, हर यूनिट पे कितनी आवर्स लगेंगे प्रोसेसिंग मशीन के, 8, तो 7,000, हाँ जी कितने घंटे लगने हैं, 56,000 मोर देन इनफ, तो AY के भी हम सारे के सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करने की पोजीशन में है ना, तो 7,000 इंटू 8 यानी कि 56,000, 65 आपके पास अवेलेबल थे उसमें से 56, अब आपके पास जो आखिरी आपके पास है AZ, उसके लिए 9,000 घंटे बच रहे हैं ना, और हमें ये नजर आ रहा है कि भाई ये काफी कम है, 8,000 यूनिट्स को अगर हम मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो हमें टोटल 80,000 घंटे चाहिए और आपके पास अवेलेबल सिर्फ 9,000 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9,000 घंटे हैं, हर यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 घंटे चाहिए, तो 9,000 घंटों को यूज करके आप सिर्फ 900 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकेंगे, इज दैट क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बिल्कुल वही है जो पैक वाला है, क्योंकि रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम है, आई होप दैट्स क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। फिर अगला उसने क्या बोला, पहले तो उसने ये कहा कि कंप्यूट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट द कंपनी शुड प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड आल्सो कंप्यूट द प्रोडक्ट प्राइस एंड टोटल कंट्रीब्यूशन एट ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पास क्या, प्रोडक्ट प्राइस एंड टोटल कंट्रीब्यूशन एट ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, तो हमें कंट्रीब्यूशन टोटल बताना है हर प्रोडक्ट का, ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, है ना, हमने तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर लिया हुआ है AW,
एक्स, ए वाई और ए जी का, और एंड में हम पे टोटल कर देंगे, ठीक है जनाब। अब आपने ऊपर वाला, अब यहाँ पे आपका और पैक का आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है। सी एम पर यूनिट कितना आ रहा है, आपने ये कैलकुलेट कर लिया है 16.5, 21.75, 13 और 5, ठीक है। तो वही अप टू टू डेसिमल प्लेसेस हम रखेंगे और हम कहेंगे कि जी ये हमारे सीएम पर यूनिट है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कितना है वो हम ऊपर से ले लेंगे अपने, कितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, 10, 5, 7 और 900, ठीक है। 10,000, 5,000, 7,000 एंड 9,000, ठीक है। तो ये हमने अपने यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो मुझे आप बताइए कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर प्रोडक्ट का, और टोटल भी हम निकाल सकते हैं आप, है ना। सिंपल क्या कर देंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्लियर होगी बात। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस 1,65,000, फिर 21.75 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, 13 रुपी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 7,000 और 5 रुपी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 900, और हमारे पास टोटल भी आ जाएगा, इस सबका सम करके अगली लाइन में लिख दें, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सबका मिला के। हाँ जी सॉरी, तो सॉरी मैंने उल्टा आगे पीछे कर दिया, ठीक। ए एक्स के 10,000 है और ए वाई के 5,000 है, अपोजिट है, ठीक है। तो 82,500, ए डब्ल्यू के 5,000, ए एक्स के 10,000, बाकी 7,000 और 900। तो प्रोडक्ट वाइज भी कंट्रीब्यूशन आ गई, लेकिन हमारा और पीछे से आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एक नोट भी लिख देते हैं, सिंस डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एन आवरली बेसिस, वी हैव ट्रीटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। चलें जल्दी से कॉपी करें, फिर हम जरा फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के ऊपर आते हैं। अपना जो थर्ड स्टॉप है, क्वेश्चन फिर हो सकता है कल करें। जी मनीबा, नौ बजे कर लें क्लास। आप एक काम कर लेना, आप लोगों की दूसरी क्लासेस भी होती है ना, तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ बस कल चाहिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं मैं अब मैंने शाम को देख लिया था ग्रुप पे, बड़े आप लोग सुधा हुए थे इवनिंग की क्लास के लिए, तो मैंने अब ये सोचा है आपकी क्लासेस जो है सारी कब खत्म हो जाएंगी, 31st तो खत्म हो जाएंगी, मैं इवनिंग की क्लासेस नहीं रख रही, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। कल मैंने पहला एक्सपीरियंस कर लिया इसको, इवनिंग की क्लासेस आपके लिए फिर सही नहीं है। हमने मैंने पहली दफा इवनिंग क्लास रखी है ना, इस तरह से कि लेक्चर क्लास इवनिंग में हो, वरना तो हम कोई डिस्कशन क्लासेस नॉर्मली रखते हैं, तो वो तो चलो हम रख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी क्लास पे मैं नहीं रखूंगी, आई प्रॉमिस इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं आपकी क्लासेस खत्म कब हो रही है बाकी सारी, 31st को मेजर खत्म हो रही है ना, तो हम काम ही करते हैं, हमने 5th तक क्लासेस लेनी है ना, तो 1st से 5th तक फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम क्लासेस का कर दूंगी, ठीक है। फिर तो हमारे पास कोई वो बाउंड नहीं होगा ना कि उसके बाद ऑडिट की क्लास है क्या, तो फिर मैं उसमें जो है वो 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे का कर लूंगी, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो लेट्स कीप इट एट 9:30, ठीक है। 31st तक हम 9:30 पे रखते हैं। बच्चे देखो 5 से अब कल भी एक्स्ट्रा क्लास मैंने जब ली है ना, तो आप मुझे खुद सोच कर बताओ 2 घंटे से ज्यादा अगर मैं क्लास रखती हूँ ना, आप लोग वैसे नहीं पढ़ पाते, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा अगर मैं क्लास करूंगी ना, आप लोग वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे। तो या तो चले अगर बाकी सारे, नहीं नहीं ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बात बताएं, मैं अगर जल्दी कराने के चक्रों में मैं 4-4 घंटे की भी क्लास अगर रखना, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं पढ़ा सकती हूँ 4 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ। अगला टॉपिक भी हमारा बहुत आसान है, जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है ना कि काफी हद तक लॉजिकल है, अगले चैप्टर में भी हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो भी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो मैं जल्दी कराने के चक्रों में अगर आप मुझे कहते हो, मुझे पैक वाले कहते हैं ना कि आप भी 31st भी खत्म कराएं सिलेबस, मैं आपको बता दूं हम टीचर्स में इतनी सलाहियत मौजूद है कि हम 31st को ये चैप्टर में सारे चैप्टर में वाइंड अप करा दूं जितने रहते हैं, आई कैन गारंटी यू दैट। कौन कौन से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें ज्यादातर डेफिनेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वैसी थ्योरेटिकल है, 3 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं। तो मैं तो ये 3 चैप्टर 3 दिन में खत्म कराने को तैयार हूँ, लेकिन फिर वो क्वालिटी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा कितना सिलेबस को हमने लेट किया, मुझे ये बता दें, ठीक है। कितना सिलेबस, मतलब इसको इतना ज्यादा, मतलब आप लोग क्यों सीरियसली ले रहे होते हैं, 3-4 दिन से का जो हमारे उसमें आया है फर्क आया है, 5 दिन का जो चले हमारे पास जो फर्क आया वो किस वजह से आया, क्या हमने अपनी किसी प्रैक्टिस को फॉरगो किया है। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती तो मैं टाइम लगाती हूँ और, ठीक है, मैं टाइम लगाती हूँ। और आप ये कह रहे हो कि जी हमने जनवरी में इतने चैप्टर्स कवर कर लिए जितने हमने पूरे उसमें, अरे भाई जनवरी में जितने चैप्टर्स कवर किए वो थे थोड़े थोड़े दिन के थे, हाँ जी। अब जब उसमें लगने ही 3-3 चैप्टर दिन थे हर टॉपिक के ऊपर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस वाज द ओनली चैप्टर इन जनवरी जिसमें हमने 10 दिन लगाए हैं, उसके बाद जितने चैप्टर्स हैं ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट हो गया, सीबीपी हो गया, रेलेवेंट कॉस्ट हो गया, तो वो थे 3-3 चैप्टर दिन के थे, तो मैं हमको क्यों लंबा स्ट्रेच करूँ। और मैं ये क्यों कहूँ कि भाई जी वो पहले तो हम लोग महीना महीना लगा देते थे हर चैप्टर के ऊपर, तो हम इस पे भी मैं ज्यादा टाइम लगाऊँ जब वो जरूरत ही नहीं थी, स्टार्ट के टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम क्यों लगाया बच्चे, मतलब क्या कोई शक है आपको इस बात पे, क्या आपको लगता है कि वो हम जल्दी और जल्दी कर सकते थे, और जल्दी करते आपको कब समझ नहीं आनी थी। और मैं आपको ये बात बताऊँ, फीडबैक में मुझे शुरू के फीडबैक में यही रिस्पॉन्स मिला था कि मैम बहुत जल्दी चल रही है, बहुत तेज चल रही है, तो मैं तो अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी कि हम तो ऑलरेडी सीसीपी से कम चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा टाइम लगा था समझने में। मैं अब अगले फिर सेशन से यही सोच रही हूँ कि यही करूँ कि स्पीड में चलूँ, जिस तरह से है 10 दिन अगर किसी एक टॉपिक को दिए हुए मैं उसको 10 दिन ही दूँ, ठीक है, फिर जो समझ में आता है आए, नहीं समझ आता नहीं आए, फिर यही हो सकता है, फिर
एक जगह पे ये होगा कि अगर मैं नॉर्मल टाइम पे चलती हूँ, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम देयर स्टडिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ठीक है फिर मैंने तो 10 दिन लगाए हुए, मैं 10 दिन या तो ये कि प्रैक्टिस को फॉलो कर लेते, आप लोगों की वजह से ही मैं थोड़ा सा स्लो ही हूँ। मेरा पॉइंट ये है, टाइम भले ज्यादा लगता है, आप लोगों को बात समझ आनी चाहिए। अगर आप लोगों को बात समझ आ रही है, मैं आप लोगों को इवन एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ जो कि शायद बहुत कम लोग देते हैं, ठीक है ये बात मैं आई एम नॉट टेकिंग इट एज समथिंग जो कि बहुत ही जो है वो एजाज वाली बात है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है आप लोगों को, इस बात को भी आप लोग कंसिडर करें, ठीक है। तो मैं टाइम को तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रही कि मेरा कितना टाइम लग रहा है, कितने मुझे एक्स्ट्रा मतलब आवर्स देने पड़ रहे हैं, वो जितने भी आप मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। कॉस्ट का सिलेबस शायद इतना ज्यादा नहीं है, कॉस्ट आप पहली दफा बढ़ते हैं इसलिए मुश्किल लगता है और बहुत ज्यादा लगता है। अब मुझे बात बताइए, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हमने बहुत स्पीड में चलाया, अगर आप देखो तो है ना, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये हमने बहुत स्पीड में हम लेके गए, तो मुझे बात बताइए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या मतलब, और मैं कितना उसको लटकाऊं, मैं और कितना उस पर टाइम लगाऊं, मुझे ये बताते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि एंटी टॉपिक्स हमने इतनी स्पीड में कर लिए है, अब जब वो है ही 3-3 चैप्टर की, मुझे पता था कि जनवरी में 4 से 5, 5 से 6 टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे और आराम से कवर भी हो रहे हैं, तो मसला क्या है, मुझे ये समझा दें बस। या तो आप कहना कि जी स्पीड में चले हैं, हमारी प्रैक्टिस कम हुई है, हमें बात समझ नहीं आई, तो मैं बोलूं चले ठीक है मेरी गलती है वहां पे। हाँ जी एग्जैक्टली क्या शाहरुख, आप मुझे ये बताइए क्या प्रैक्टिस में कोई कमी रही है, क्या आपको कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई, अगर नहीं है तो बताए मुझे कौन सी प्रैक्टिस रह गई है बच्चे, किस चीज की प्रैक्टिस रह गई है। मैं आपकी पर्सनल पढ़ाई की बात नहीं कर रही, पर्सनल पढ़ाई को मैनेज करना मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पढ़ाई शुरू कर दें दिसंबर से ही, क्यों मैं बोलती जा रही थी वो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था सिर्फ सीमैक में ये नहीं होगा, आपको बाकी क्लासेस में भी लोड फील हो रहा होगा, और इस बार में एटलीस्ट आप मुझे जिम्मेदार ना ठहराएं कि जी हम क्लास में सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि जनवरी के महीने में हमने पढ़ना ही था, तो फर्क क्या आया, किस चीज में फर्क आया, जब जनवरी के महीने में आपको पता था कि हमने पढ़ना ही है, हमने आगे ही प्रोग्रेस करना था। मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आप ये कह रहे हो कि जी प्रोसेस कॉस्टिंग हम पढ़े, बजटिंग पीछे रह गया है, तो इसमें इस बात से क्या ताल्लुक है कि हमने कितने टॉपिक्स क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लासेस एक्स्ट्रा क्लास मैंने सिर्फ कल ही लगाई है, कल शाम को ही सिर्फ लगी, उससे पहले तो एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ हम संडेज को लगा रहे हैं, बाकी तो पूरे दिन आपके फारिग होते थे, बाकी पूरे दिन आपकी दूसरी क्लासेस। चलें ठीक है कल से मैं 9 बजे क्लास रख देती हूँ ताकि 2 घंटे की हमारी पर डे हो, ताकि हमारी प्रैक्टिस एम्पल रहे। अच्छा जी जनवरी में तो प्रैक्टिस, अच्छा आप मुझे बात बताएं शाहरुख, जब हम जनवरी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आए थे तो आपने क्या पिछले सारे टॉपिक्स की रिविजन कर ली थी, सच सच बताएं मुझे, इस तरह से होना चाहिए था ना फिर, कि आप मुझे बोल रहे मैम हम तो सारी चीजें तैयार करके बैठे हुए थे दिसंबर में, हम बिल्कुल फारा हो गए थे क्योंकि हमने पिछले सारे टॉपिक्स की रिविजन कर ली थी, अब जनवरी में जब हम इतना लेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे पहुंचे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रैक्टिस भी नहीं की, तो इसलिए हम पीछे हो गए। मुझे जरा सच सच बताएं क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपने पिछले सारे टॉपिक्स की रिविजन कर ली थी। हाँ जी फिर, या तो अगर आप लोग इतना वो करते इतना होता कि भाई हम लोगों की तैयारी में एक गैप आ गया, हम फारग बैठ गए थे क्योंकि मैम इतना स्लो चल रही थी, मैम स्लो चल रही थी, मैम अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तक पहुंची नहीं थी, हम तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले सारे टॉपिक्स की तैयारी करके फारग बैठ गए थे कि अब मैम थोड़ा स्पीड अप हो तो हम उनकी भी प्रैक्टिस करना शुरू करें। हाँ जी तो फिर तो बात भी है, पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है आपको, मैं आपको ये कह रही हूँ मैंने दिसंबर से आपको ये कहना शुरू कर दिया था कि पिछले टॉपिक्स की तो रिविजन स्टार्ट करें, आपने पेपर सिर्फ उन टॉपिक्स के नहीं देने हैं, पेपर में सिर्फ वो टॉपिक्स नहीं आने जो जनवरी में पढ़े, ठीक है, और ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हमने प्रोसेस कॉस्टिंग EOQ बड़े बड़े जिसमें बहुत ज्यादा चीजें थी वो हम दिसंबर तक पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे इनफैक्ट। अब जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं उसमें ठीक है प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है, नो डाउट्स अबाउट इट, काफी हद तक प्रैक्टिस मैंने भी आपको करा दिया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस जनवरी का सबसे बड़ा टॉपिक था, ठीक है, और उसके मैंने आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर करवा दिए थे इन द फॉर्म ऑफ होम असाइनमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, और मैं आपको जनवरी के महीने में भी ये कह रही थी कि आप ये मत समझें कि ये जो होम असाइनमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ ये एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही, आपने उसको जो अब रिसेंट आप टॉपिक्स करते जा रहे हो अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हो साथ साथ तो क्या होगा, वो आपकी एग्जाम की ही तैयारी हो रही है, तो व्हाई आर यू टू बाइफोकेटिंग द टू, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो क्यों हो गया ये मुझे समझ नहीं आ रही। हमेशा एंड में ही इस तरह के टॉपिक्स किए जाते हैं, तो हमेशा इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो इस चीज को जरा आप करें, मतलब अगर प्रॉब्लम अभी भी आ रही है पढ़ाई मैनेज करने में तो मेरे से जरा सेपरेटली कॉन्टेक्ट करें या तो, है ना, लेकिन उसमें आपके पास कोई जवाब भी बनना चाहिए ना कि मैम भाई देखें ये हो गया था हम बिल्कुल फारिग बैठ गए थे, या तो अगर आपने साथ साथ पढ़ाई की होती और आपने कहा होता कि जी इस क्वेश्चन के बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, वो आप देख लेंगे जितने 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नो डाउट बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम जितने भी कर सकते हैं गुड हो गया, ठीक है। मेन चीज क्या होती है, क्लास के अंदर हमने जो जितने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं जितनी प्रैक्टिस की है वो भी गुड इनफ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट भी दूंगी, वो भी आपको मैं ऑब्वियसली उसमें 3-3 चार्टर दिन आपको दूंगी, उसमें वो कवर हो जाएंगे। हाँ जी अब बताएं, सही है, तो अब मैनेज करना पढ़ाई को ऐसी बात नहीं है, मैं आपको दिसंबर से कह रही हूँ ये कि पढ़ाई को मैनेज करना आप शुरू कर दें, है कि नहीं, वो वजह थी ना उसकी, मुझे पता था एंड पे इसी तरह से होगा, मुझे पता था एंड पे यही होगा कि
जनवरी के महीने में सब ये कहेंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप निकम्मे नहीं है, आपकी प्लानिंग निकम्मी थी। सही है, प्लानिंग आपकी निकम्मी हो गई, आपको या तो अगर करना था तो आप दिसंबर तक दूसरी मतलब पढ़ाई पे कर लेते ना, अगर आप कहते मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, वार्निंग में पहले दे रही थी जनवरी में बहुत हैवी हो जाएगा, बोला था मैंने या नहीं पहले मुझे बता दे, तो वजह थी ना कोई कहने की, ठीक है वजह थी कुछ, इसीलिए मैं आपको पहले से कहती आ रही थी कि प्लीज पढ़ाई शुरू कर दें, कर दें कर दें, पिछला कुछ आपका मिस ना हो मैं, लेकिन अब ऐसी ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसमें टेंशन मत ले कि ओहो अब हमने तो टाइम गुजार दिया, अब तो गुजर गया टाइम, अब क्या करें आगे, अब इंशाल्लाह आगे, अब इंशाल्लाह फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं आपको बता रही हूँ ना, हम भी तो ऐसे थे, हम भी तो ऐसे स्कूल से आपकी तरह के, हम भी टीचर्स बोलते थे कि जी शुरू कर दें पढ़ाई, प्लानिंग करें ये करें वो करें, डे वन से पढ़ाई करना चाहिए और ये वो, हम ऑब्वियसली बात है जब हमें एंटर सर पे पढ़ती थी तो हमें ऑब्वियसली मुश्किल होती है, लेकिन ये मुश्किल हर किसी को होती है, इस चीज को जरा ख्याल में रखें, ध्यान में रखें। हाँ देखिए हसन जावेद ने प्रूव भी कर दिया इसको, तो सिर्फ मैं नहीं हूँ इसमें गुनहगार, ठीक है। अच्छा तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि अब फरवरी के महीने में मैं आपको बता रही हूँ ना, हो जाएगा मैनेज, ठीक है मैनेज हो जाएगा, एक दफा क्लासेस खत्म होने दें, उसके बाद एंड वाली क्लास में भी हम एक और दफा इसको देखेंगे कि भाई अब आपने पढ़ाई को किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। फरवरी के महीना अभी है, ठीक ठाक है, और मैं आपको ये बारह समझा रही हूँ, मुझे कितने लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम पूरा दिन क्लासेस में लगे रहते हैं, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें पढ़ते भी हैं, तो मैं आपको ये कहती हूँ फिर आप क्यों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो क्यों है कि आपसे कुछ हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, ठीक है। पॉइंट ये है कि आपने अपने पूरे दिन में टाइम नहीं जाया करना, और जितना जो है वो आप कर सकते हैं एक दिन में उतना आप करें, तो स्लो एंड स्टडी, इससे बेहतर कि भाई आप पूरे वीक में कोई चैप्टर ना कवर करें सीमैक का, कोई चैप्टर ना कवर करें बीएमबीएस का, कोई चैप्टर ना कवर करें टैक्स का, सिर्फ क्लासेस ही लेते जाएं और बस जो बाकी का टाइम बचा है उसमें सोते पड़े रहें, इससे बेहतर है कि आप एटलीस्ट एक एक टॉपिक हर का कवर करें, भले उसमें पूरा हफ्ता लग रहा है, उसकी वजह मैं पहले ही आपको बता चुकी थी कि एंड में जो क्लासेस होती हैं तो उसमें फिर टाइम नहीं मिलता ऐसे पढ़ने का, उसमें अगर आप होम असाइनमेंट्स भी साथ साथ कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और मैं अगर आप देखो तो मैं दो दो तीन तीन होम असाइनमेंट्स दे रही हूँ, तो अगर आप वही होम असाइनमेंट्स कर रहे हो तो दैट्स गुड इनफ बच्चे, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस लो नहीं करना आपने, ये मैं बता दूं इंशाल्लाह। एग्जैक्टली हाँ जी, होम असाइनमेंट नोट कर लें ऑन दैट नोट, क्लास वर्क नंबर 23 एंड क्लास वर्क नंबर 25, दो होम असाइनमेंट है, ठीक है शाहरुख। आई होप मैंने किसी को पर्सनली ऑफेंड नहीं किया, लेकिन मैं जरा अपना एक टीचर वाला रोल तो जरा करूँ ना, मैं थोड़ा डांटू भी तो सही कि ये बात तो गलत हो गई कि अब मैनेज नहीं हो रहा, मैं तो पहले आपको बता रही थी, है ना जी जनाब, ऑडिट के लिए जा सकते हैं, इसलिए नो ऑफेंस टू एनीवन, मैंने किसी को निकम्मा नहीं किया, कहा मैंने आपकी प्लानिंग को निकम्मा कहा, प्लानिंग में आपने गड़बड़ कर दिया थे, जो मैं पहले से कहती आ रही थी कि भी काम शुरू कर दें, पढ़ाई शुरू कर दें, प्लानिंग मैनेज करना शुरू कर दें, पढ़ाई को मैनेज करना शुरू कर दें, उसका मतलब है कि वहां पे फिर थोड़ा सा मसला आ गया। सर नासिर तो खैर एक लेजेंड है, मैं तो उनसे बिल्कुल, मैं वैसे उन्हीं के बेसिकली पढ़ाए हुए तरीके से आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मैं ये बात बता दूँ आपको, मेरे मेंटर हैं, ठीक है, मैंने उनसे ही सीखा है, मैं उन्हीं से गाइडेंस ले रही हूँ सीमैक के ऊपर भी, तो नहीं नहीं मेरी बिल्कुल कोई दिल आजारी नहीं हुई, बस मुझे ये बात हुई है कि मैंने एटलीस्ट आप लोगों को पहले से वॉन्ट कर दिया था, इसलिए आई एम ऑन अ वेरी डिफेंसिव फुटिंग, कि आई टोल्ड यू ऑफ द सिचुएशन बिफोर हैंड, ठीक है। तो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बार बार बढ़ा दें बड़े फ्रस्ट्रेशन मेरे साथ, उसको निकालें मेरे ऊपर निकालें, ठीक है, जैसा भी करना है निकालें उसको, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ प्लीज कॉन्फिडेंस लेवल अपना थोड़ा सा मीडियम लेवल पे रखें, अगर हाई पे नहीं हो सकता तो उसको लो रखने की जरूरत नहीं है, यू गाइज आर वर्किंग प्रीटी हार्ड, क्लास में भी आप लोग जो पढ़ रहे हो, होम असाइनमेंट भी कर रहे हो, दिस इज एक्चुअली योर एग्जाम प्रिपरेशन, व्हाई आरंट यू गाइज गेटिंग दिस, आप इतने नजदीक हो एग्जाम से कि अभी आपको भी नई चीज पढ़ोगे ना वो इंशाल्लाह आपको याद रह जाएगी, दिस वुड बी लाइक एज इफ आपको आप प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई नई बात पता लगी है, पर आपने अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। कल की टाइमिंग्स पर 9 बजे कर दूं मैं, लेकिन मुझे ना पहले पैक से पूछना पड़ेगा मनीबा, अभी कल वाली हम 9:30 पे कर लेते हैं, ठीक है 9:30 पे कर लेते हैं, लेट मी आस्क पैक फर्स्ट, मैं जरा पैक मानूंगा, ये ना हो कि वो बोले कि हम वैसे ही 1.5 घंटा आपको दे रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं हसनैन अब रिवाइज तो करेंगे ना थोड़ा सा भाई, मतलब आप किस तरह से मुझे हर बात में मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बोल रही है, लेकिन होता तो ये है, देखें अच्छे अच्छे स्टूडेंट का हर स्टूडेंट का यही होता है कि एग्जाम वाले दिन भी आप मुझे कहेंगे मुझे तो कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, यही होता है, पेपर करने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा ना इंशाल्लाह, अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर वाकई में इसका मतलब आप सही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं याद रहता, ठीक है। अभी आगे जितने चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनमें लगेंगे एक एक दो दो दिन, वो वैसे ही सीसीपी में एक तो आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसमें तो 6 आवर्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो हम 3 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है, 6 आवर्स का मतलब ही होगा 3 साढ़े 3 दिन, ठीक है, हमारा 1.5 घंटे की क्लास है, और बाकी जो है वो आपके एक एक दिन का चैप्टर है, तो जो वहीं छोटे तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा जल्दी हम कवर कर रहे हैं एक महीने में, इतनी बाकी मैं आपको तसल्ली दे दूँ मैं कोई प्रैक्टिस फॉरगो नहीं करी, जितना टाइम लगाना है उससे मैं ज्यादा ही टाइम लगा रही हूँ हर चैप्टर पे, तो उसकी आप तसल्ली रखें प्लीज, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली भी अपने सर पे, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना फर्क पता जरूर है, थोड़ा सा है लेकिन थोड़ा सा इस मामले में तो है, ठीक है जस्ट रिलैक्स। अच्छा रिविजन अगेन वही होमवर्क ना दूं, मनीबा क्या कहती है होमवर्क ना दूं, फरवरी में खुद ही अटेम्प्ट करें, प्रॉब्लम आएंगे फिर वो डिस्कस कर लेंगे बाद में, ऐसा कुछ कर लेते हैं, मेरे होमवर्क्स की वजह से रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल से फिर इन टॉपिक्स की भी प्रिपरेशन नहीं हो रही होमवर्क्स की वजह से, तो रहने देते हैं, ठीक है चले आप भागें ऑडिट के लिए, कल 9:30 पे क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है चलें जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, भागें आप, अल्लाह हाफिज़।